नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं, किस दिन हमें जो है इस दीपावली के महाउत्सव को मनाना है। जी हां दोस्तों, दीपावली जो है लक्ष्मी पूजन का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें कि हम पूजन करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं ताकि वर्ष भर माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। लेकिन कई बार और इस वर्ष भी जैसे 2 दिन की अमावस्या पड़ रही है और इस के कारण जो तिथियों में बहुत मतभेद चल रहे हैं कि किस दिन मनानी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को धर्म सिंधु निर्णय सिंधु जो कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके अनुसार किस दिन हमें जो है अमावस्या की दीपावली मनानी चाहिए जो हमारे लिए महाफलदायी हो, इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी। क्योंकि 12 महीने होते हैं और कई बार जो है अधिक मास आ जाते हैं, कई बार चंद्रमा की तिथि घटते बढ़ते रहती है, ऐसे अंतर के कारण कई बार तिथियां 2-2 दिन पड़ जाती हैं, जैसा कि इस बार हम देख रहे हैं। तो ऐसे में पूजन का किस दिन किया जाना चाहिए, यह विशेष महत्व की बात है। तो जी हां दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि हमें 31 तारीख में ही पूजा करना चाहिए और किन्हीं का मत है कि 1 तारीख में करना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र क्या निर्णय देते हैं, कौन सी बातें रखते हैं शास्त्र हमारे सामने, जिनको कि हम समझ के स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और इस प्रकार की जो हमारे धर्म ग्रंथ कहलाते हैं, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु, इन सभी में विशेष जो गाइडलाइन यानी कि जानकारी दी गई है कि कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें किस दिन जो है अमावस्या, किस दिन पूजा हमें करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको धर्म सिंधु की जानकारी के अनुसार जो है अमावस्या किस दिन मनाना चाहिए और इसके क्या नियम बतलाए गए हैं, वह आप लोगों को बतला रही हूँ। तो जैसा कि पहले दिन प्रदोष की जो व्याप्ति हो और दूसरे दिन तीसरे प्रहर से अधिक अमावस्या हो, तो दूसरे दिन चाहे प्रदोष का ना भी हो तो भी हमें अमावस्या यानी कि जो है प्रतिपदा से युक्त जो लक्ष्मी पूजा रहती है वह दूसरे दिन ही करनी चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो इस निर्णय के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को अमावस्या 3 पहर से अधिक है। और हम देखते हैं कि अन्य कई भी पंचांग हैं जिनमें कि इसमें जो है प्रदोष व्यापनी तिथि में जो है लक्ष्मी जी की पूजा शास्त्र सम्मत कही गई है। आगे भी हम देखेंगे तो धर्म सिंधु में जो इस प्रकार के निर्णय जो बतलाए गए हैं, तो जिस भी दिन तीसरे 3 पहर से अधिक जो है अमावस्या होती है उस दिन पूजा करना श्रेष्ठ कर रहता है और प्रतिपदा से युक्त जो अमावस्या बनती है वह अति सुफलदायी होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है तिथियां और भी स्थितियां बनी हुई हैं। तो यदि हम जो है गणना माने तो प्रतिपदा से युक्त दीपावली यानी अमावस्या जो मनाई जाएगी यानी कि 1 तारीख को अति शुभ मानी जाएगी। इसके साथ यदि हम 2 दिन की अमावस्या का पूजन का जो देखें कि क्योंकि सूर्योदय से और अस्त तक का तिथियों का देखा जाता है, यानी कि इसमें जो उदयकालीन तिथि होती है वही हम उन्हीं तिथियों में त्यौहार मनाते हैं जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक के समय रहें। तो यदि हम इस दिन की बात करें तो उदिया तिथि के अनुसार हम जो है तिथि या पर्व मनाते हैं तो वह सुफलदायी हो जाता है। और यदि हम पंचांग देखते हैं तो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 से अमावस्या शुरू हो रही है और 1 नवंबर को 6:16 तक रहेगी। तो ऐसे में अमावस्या की तिथि जो है 2 दिन प्रदोष काल रहेगा, क्योंकि सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के बाद यदि 1 घड़ी से अधिक अमावस्या होने पर यह पर्व जो है
एक शाम को ही, मतलब 1 नवंबर को शाम को मनाया जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर को जो सूर्य अस्त है 5:40 पर होगा, और इसके बाद भी हम देखें तो इसके बाद 37 मिनट तक अमावस्या रहेगी, यानी कि जो है 6:17 तक अमावस्या रहेगी। तो सूर्य अस्त के समाप्त हो जाने के बाद भी अमावस्या तिथि युक्त है, इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस दिन प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के वक्त भी अमावस्या होती है उस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ कर रहता है। तो ऐसी इतनी सारी शास्त्र सम्मत बातों को यदि हम देखें तो इनके हिसाब से हमें 1 नवंबर के ही दिन लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।